स्वागत है। और जैसे कि हम अपने प्रकाशित वाक्य के अध्ययन को जारी रखे हुए हैं, सो आज का जो हमारा विषय है वो स्मुर्ना की कलीसिया, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दूसरा अध्याय 8 से 11 आयत में। सो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अपनी अपनी बाइबल खोल लें, अपनी कॉपी पेन तैयार रखें। हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दूसरा अध्याय 8 से 11, और यहाँ यूं लिखा है, और स्मुर्ना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे को झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। सो आए मेरे साथ में और हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई में इस अध्ययन को जारी रखें। कलीसिया के दूत को यह लिख जो प्रथम और अंतिम और जो मर गया था और अब जो जीवित है, वह यह कहता है। सो प्रभु जो है यहाँ अपनी ग्लोरी जो है इस रीति से बताते हैं कि वो प्रथम और अंतिम और जो मर गए थे और अब जीवित हैं। स्मुर्ना की कलीसिया के दूत को यह लिख, और स्मुर्ना जो है वो इफिसियस के उत्तर की तरफ जो है एनातोलिया करके जो है एक मुख्य शहर है, जहाँ की जनसंख्या करीब 2 लाख के करीब थी, और उसमें से 1/3 जो थे वो चुने हुए मसीह थे। और प्रभु ने इस चर्च को जो है उन 7 कलीसियाओं में से एक चर्च के रूप में, एक कलीसिया के रूप में लिया। और यहाँ पर प्रभु का एक दास पॉलीकार्प करके था, जो यूहन्ना का जो है प्रिय था, और दूसरी शताब्दी में वो एक महत्वपूर्ण लीडर था। और करीब 155वीं शताब्दी में इसका जो है देहांत हुआ, और ये प्रभु के लिए शहीदों की गिनती में एक महत्वपूर्ण नाम था। सो स्मुर्ना वो जगह थी जहां प्रभु का ये दास जो है शहीद हुआ था। और जैसा कि हमारा ओरिजिनल शब्द जो है वो दूत के लिए जो शब्द आया है एंजल अंग्रेजी में, और एजिलॉस जो है मतलब मैसेंजर, टू ब्रिंग अ मैसेज, अनाउंस, प्रोक्लेम, प्रभु के बारे में बताना। और चर्चेस के लिए या कलीसिया के लिए जो ओरिजिनल शब्द है वो एक्लेसिया, बुलाए हुए परमेश्वर को जिन्होंने अपने स्वेच्छा से जो है ग्रहण किया और अपनी इच्छा भी जो है परमेश्वर के चरणों में रख दी। और जो प्रथम और अंतिम है, तो प्रथम शब्द के लिए प्रोटॉस और अंतिम शब्द के लिए एस्चेटॉस जो है ये शब्द, जो मर गया था तो हमने देखा था शब्द नेक्रोस, या जो संसारिक रीति से मरा, आत्मिक रीति से नहीं। और जो जिंदा है, तो जिंदा शब्द के लिए या जीवित शब्द के लिए जो शब्द आया है वो जाओ, मतलब जो मर करके जिंदा हो गया। सो प्रभु अपने विषय में अब एनालिसिस करके ये बताते हैं कि जो प्रथम और अंतिम, जो मर गया था, जो जीवित है, लिख स्मुर्ना की कलीसिया के दूत को यह लिख, स्मुर्ना की कलीसिया के दूत को यह लिख। और स्मुर्ना जो है
आज का स्मूना जो है ये एक बड़ा सिटी, उस समय में भी 2 लाख की पॉपुलेशन जो है यहाँ थी, और आज स्मूना तुर्की में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। और स्मूना के ये वो पुरातन पुरातत्व के पिलर जहाँ चर्चेस लगा करते थे, जहाँ कलीसियाएं जो है स्थापित हुई, जहां पर प्रभु के दास लोग जो है शहीद हुए, उनमें से पॉलीकार्प एक महत्वपूर्ण दास था और प्रभु के लिए इन्होंने बहुत कष्ट उठाया। प्रभु ने कहा, मैं जानता हूं तेरे कष्टों को, मैं जानता हूं। और स्मूना के ये पिलर जो उन दिनों से खड़े हुए हैं, और महत्वपूर्ण जगह स्मूना आज भी तुर्की में पाए जाने वाली, और स्मूना के चर्च की ये भव्य जो है दीवारें, वो पिलर, और यहाँ लोग जो है एक तिहाई लोग जो है वो मसीह थे, जो जिन्होंने प्रभु के लिए बहुत कष्ट उठाया। और ये एक ट्रेड सेंटर भी है जो व्यापार का केंद्र भी है, और जहाज और इत्यादि जो है यहाँ पर चलते हैं। और प्रभु बोलते हैं, मैं तेरे कामों को और उन कष्टों को जानता हूं, तू गरीब कहलाता है लेकिन वास्तव में तू अमीर है, तू धनी है, और मैं उनके निंदा को भी जानता हूं जो यहूदी अपने आप को कहते हैं पर हैं शैतान की सभा के। तो देखिए प्रभु बोलता है, मैं तेरे कामों को, मैं तेरे कष्टों को, मैं तेरे इस दरिद्रता को जानता हूं। संसारिक रीति से तू दरिद्र हो सकता है परंतु तू है धनी, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर शैतान की सभा के, उनको भी जानता हूं। सो इस कलीसिया में भी जो नेगेटिविटी थी वो ये थी कि लोग कलीसिया में थे और कलीसिया में रह करके शैतान के काम कर रहे थे। सो जो शब्द जो था वो ब्लास्फेमी, उनकी निंदा को जानता हूं, और ब्लास्फेमिया ये ग्रीक शब्द है इसके लिए, और सिनेगॉग सुनेगॉग जो है वो स्थल होते थे, जो हमने देखे कि बड़े बड़े स्थल थे जहां पर लोग इकट्ठा होते थे प्रभु की आराधना के लिए, उसके पिलर और वो चर्चेस हमने देखे। और शैतान के लिए जो शब्द आया है सेटेनस, सेटेनस मतलब ग्रीक शब्द जो है वो सेटेनस, इसका मतलब होता है एडवर्सरी, और ये दूसरा नाम है जो शैतान या डेविल को कहा गया है, और उसका दूसरा नाम डायबोलस मींस डेविल, जो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा बताने की कोशिश करता है। शैतान का मतलब होता है परमेश्वर के कार्यों में विघ्न डालने वाला। सो चर्चेस में जो है शैतान ने अपने लोगों को तैयार कर रखा कि रहते तो चर्च में है लेकिन काम शैतान के हैं, और छुपे हुए भी गुप्त रीति से भी वे शैतान के कामों को करते हैं, लेकिन देखने में वैसा लगता है कि वे परमेश्वर के लोग हैं। सो प्रभु बोलते हैं कि ऐसे यहूदियों को मैं जानता हूं, ऐसे चुने हुओं को मैं जानता हूं जो वास्तव में किसके हैं, शैतान की सभा के। सो जरूरी नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर जानता है, और मैं उनकी निंदा को भी जानता हूं। उन्होंने अपने लिए जो है झूठे जो है देवी देवता तैयार कर लिए, उनके मन में परमेश्वर नहीं, और वे दोष लगाते हैं प्रभु के लोगों पर जो है, जैसा मैंने बताया यहां एक तिहाई लोग मसीह लोग थे, इनके ऊपर दोष लगाना। और प्रभु बोलते हैं कि
जो कष्ट तुझे उठाने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कईयों को जेल खानों में डालने पर है ताकि तुम पर के जाओ। सो 10 दिन तक तुम्हें क्लेश उठाना होगा और प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। सो प्रभु बोलते हैं कि शैतान तुम में से कईयों को जो है जेल खाने पर डलवा देगा ताकि तुम पर के जाओ। क्यों जेल खाने में जाना होगा? क्योंकि आप प्रभु के हैं और लोग आपके विरुद्ध में हैं और उन्होंने अपने आप को शैतान को समर्पित कर दिया है। वे आपके अधिकारी हो सकते हैं, वे आपके पड़ोसी हो सकते हैं, वे आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वे आपके अपने लोग हो सकते हैं। और प्रभु ने कहा जो तुम्हें मरवा डालेगा वो सोचेगा मैं प्रभु का काम कर रहा हूं। ये अंत के दिनों में सो प्रभु बोलते हैं तुम्हें 10 दिनों तक हो सकता है क्लेश उठाना पड़े और प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और जो है मत डर, उसके लिए जो शब्द आया है फोबियो, वो ये कि हम किसी चीज को देख करके डरते हैं, भागने लगते हैं, उसको बोलते हैं फोबियो। प्रभु बोलते हैं मत डर। और जो शब्द है से डेविल, उसका मतलब हमने अभी देखा था डायाबोलस, जो झूठे तरीके से परमेश्वर के लोगों को जो है बहकाता, उन पे चार्ज लगाता और तुम में से कईयों को परखने पर है। और परखने के लिए जो शब्द आया है पियाराजो, और ये जो है परखने के लिए कि तुम्हें जो है क्रस करे, तुम्हें प्रेस करे, विश्वास योग्य रह प्राण देने तक। तो प्राण के लिए जो शब्द आया है थेनेटॉस, और थेनेटॉस मतलब जैसे हम देख चुके हैं जो शारीरिक मृत्यु है, संसारिक मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु नहीं। आत्मिक मृत्यु के लिए कहा गया दूसरी मृत्यु। और विश्वास योग्यता के लिए जो शब्द आया है पिस्तोस, मतलब जो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। और जीवन के लिए जो शब्द आया है जाओ, वो ये कि जो व्यक्ति वास्तव में जो है परमेश्वर की आत्मा से भरा है वो जाओ, उसके लिए वो शब्द आया है। सो ये वो एनालिसिस था, लेकिन ये वो जगह थी स्मूर्ना की जहां पर लोगों को कष्ट दिया गया। वैसे स्टेडियम टाइप जो है बना हुआ है, आज भी लोग इसको देखने जाते हैं। और प्रभु बोलता है कि जो कष्ट तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, कहीं एक जेल में जाएंगे, कहीं एक के प्राण निकल जाएंगे, लेकिन विश्वास योग्य रह तो मैं तुझे और जीवन का मुकुट दूंगा। और ये वो फोटोएं हैं जो नाजी कैंपों की हैं, और ये यहूदी लोग हैं जो इस प्रकार के कैंपों में रखे जाते थे। हम कोरोना से डर रहे हैं, आपको ताजुब होगा कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला, 60 लाख यहूदियों को मार डाला। और वो ऐसा समय था हफ्ते की एक ब्रेड मिलती थी और लोग ऐसी अवस्था में कैंपों में रहते थे। सो अपनी विश्वास योग्यता के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन प्रभु का इनकार नहीं करा। और ये यूहन्ना बपतिस्मा दाते का जो वो शहीद हुआ, और एक नाचने वाली के लिए जो है उसके सिर को काट दिया गया और उसका सिर थाल में रख करके उसे दिया गया। और शैतान तुम में से कईयों को परखेगा, तुम्हें जेल में डाल देगा, प्राण देने तक विश्वासी रहो। ये वो रियल फोटोग्राफ है जब लोग वो उस नाजी कैंप में मर जाते थे, उनको गाड़ने के लिए कुछ और नहीं, ऐसे गड्ढे खोदे गए
और उन गड्ढों में उनको जेसीबी मशीनों से फेंका गया और सड़े नहीं, इसलिए उनके ऊपर नमक डाल दिया गया, बीमारी नहीं फैले इनके कारण। इस रीति से जानवरों से भी बदतर हालत जो है मनुष्यों की हुई थी हिटलर के समय में। ऐसा समय फिर नहीं आया। प्रभु ने कहा प्राण लेने तक विश्वासी रहे। और देखे वो जेसीबी मशीनों के द्वारा इन ट्रकों में लाशों को भर के जो है ले जाया जाता था और उन गड्ढों में सीधा सीधा फेंक दिया जाता। तो प्रभु कहते थे कि मेरे कारण यदि तुम पे ये कष्ट आते हैं तो इनको झेलने में डरो मत, वे तुम्हारे प्राण ही ले सकते हैं ना, और कुछ नहीं कर सकते। और ये मसीहों की स्थिति थी, उनके पाँव में वजन लटका दिया जाता और हाथ को उल्टे लटका करके उनको रस्सियों से खींचा जाता और ये 5-6 घंटे में ये आदमी मर जाता, उसको सांस लेते नहीं बनती थी। ये कष्टों का तरीका था उन दिनों में। और स्मुर्ना की कलीसिया के लोग इन कष्टों में भी प्रभु से पीछे नहीं हटे, उन्होंने मर जाना पसंद करा, जिनका वर्णन जो है हम इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में भी देखते हैं कि कई लोग मर गए, कई लोग मर गए, लेकिन उन्होंने प्रभु का इनकार नहीं किया। तो प्रभु हमसे भी ये आशा रखते हैं और प्रभु कहते हैं कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यदि हमारी ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए चली है तो बीच में आकर के बड़ौदा में यदि रुक जाए तो ना हम दिल्ली के रहे ना मुंबई के रहे। सो प्रभु कहता है कि अंतिम स्थिति तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। सो कई लोगों का जीवन आरंभ तो हुआ है लेकिन उनकी दौड़ अधूरी रह गई, आधे रास्ते में वे पीछे हट गए, वे अपनी दौड़ पूरी नहीं कर पाए। सो अभी भी मौके हैं, यदि किसी के जीवन में ऐसा प्रभाव आया है तो वो प्रभु के पास आ सकता है, प्रभु उसे अभी भी ग्रहण करेंगे और जीवन का मुकुट ध्यान रहे कि कोई आपसे छीन न ले। और ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर थाल में रख करके ये एक नाचने वाले के लिए ले जाएगा, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। और दूसरी मृत्यु जैसा हम देख रहे थे कि स्पिरिचुअल डेथ, अंतिम न्याय के बाद में कुछ लोग नरक में जाएंगे और कुछ लोग स्वर्ग में जाएंगे, और ये नरक के मृत्यु को दूसरी मृत्यु कहा गया। सो शैतान ने आपके शरीर को तो मार डाला लेकिन आपकी आत्मा को मार नहीं सका, और आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ युग युगान तक स्वर्ग में रहेगी। सो हो सकता है हमें 10 दिन तक या अपने प्राण तक जो है कष्ट उठाना पड़े, उसको मानसिकता बनाए तब जाकर के वो प्रैक्टिकल होगा। और जो है ये वो शब्द हर्ट के लिए अधिकियो, तुम में से कईयों को नुकसान पहुंचाने पर कई लोग मृत्यु को पा लेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, ऐसों के ऊपर जो जय पाए ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं, वे नरक के लिए नहीं स्वर्ग के लिए परमेश्वर के पास जो है जाने के लिए तैयार है। सो क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? जीते जी प्रभु के लिए अभी तक हमने कुछ नहीं करा जबकि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, अब समय आ गया है कि हम प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, प्रभु के साथ रहें, मरते दम तक हमारी श्वास के आखिरी श्वास तक, हमारे हृदय की आखिरी धड़कन तक, हमारे सोच विचार के अंत तक हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहें। आए प्रभु
प्रभु से दुआ मांगे कि हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता का जीवन जी सके। देते हैं इस दिन के लिए जो आपने मेरे जीवन में दिखाया, और प्रभु आपके नाम के लिए सदियों से कई लोग शहीद होते रहे हैं। प्रभु मुझे अपने प्रति विश्वास योग्य होने का अनुग्रह प्रदान करें कि मैं अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहूं। जीवन जीने का कारण ही प्रभु आपके नाम की आराधना स्तुति है, और यह मेरा सौभाग्य है प्रभु कि मैं आप जैसे परमेश्वर का बच्चा कहलाता हूं। मेरे द्वारा कई लोग आशीषित हों, ये वरदान प्रभु प्रदान करें, और मेरे देह आत्मा और प्राण को ग्रहण करें प्रभु, और इसमें आए रहें, और जब तक मेरा जीवन इस पृथ्वी का है प्रभु आपने रखा है, आपके प्रति विश्वास योग्यता प्रदान करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन और फिर आमीन।